कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा शनिवार को कोंडा गांव के कोपाबेड़ा स्थित मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बनाई गई हैचरी में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बनाए गए तालाबों का अवलोकन करते हुए यहाँ उत्पादित की जाने वाली कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और मांगुर मछली के संबंध में जानकारी लेते हुए जीरा, पौना, अंगुलिका और बोनसाई के उत्पादन को करते हुए किसान को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वृत्ताकार हेचरी और इंडोर हेचरी का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने किसानों को प्रशिक्षण देने एवं मछली उत्पादन हेतु बनाए गए तालाबों के मेढ़ों में पौधारोपण कराने तथा अगले मानसून के मौसम में किसानों को उपलब्ध कराने हेतु मत्स्य बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर सहायक मत्स्य अधिकारी योगेश देवांगन, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ओम प्रकाश उपस्थित रहे। कोंडा गांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।